केंद्र सरकार द्वारा चीनी मिलों के अनुबंध के डिफॉल्ट को रोकने के लिए अधिक निर्यात करने की अनुमति देने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार 30 सितंबर को समाप्त होने वाले सीजन के लिए लगभग 1 मिलियन टन चीनी की अतिरिक्त निर्यात की अनुमति देने पर विचार कर रही है। ये 10 मिलियन टन के मौजूदा कोटे की अतिरिक्त है। भारत ने अपनी खाद्य आपूर्ति की सुरक्षा के लिए निर्यात को प्रतिबंधित किया है। वहीं इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन यानी इस्मा के अध्यक्ष आदित्य झुनझुनवाला के अनुसार इस्मा ने सरकार से अतिरिक्त 1 मिलियन टन के निर्यात की अनुमति देने के लिए कहा था। वहीं प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में अगले सीजन में भी बंपर गन्ना फसल होने की संभावना है, जिसके कारण अगले साल पर्याप्त आपूर्ति हो सकती है। आपको बता दें, भारत और भूटान के बीच विशेष संबंधों के एक संकेत के रूप में भारत सरकार ने 19 जुलाई 2022 को भूटान के लिए 10,000 टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी, जबकि देश में चीनी की कीमतों को नियंत्रण में रखने और आम नागरिकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य के लिए 100 LMT तक चीनी निर्यात पर प्रतिबंध 1 जून से लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।